Assalamu alaikum, this is Isra Ahmed, a clinical dietitian and a CEO of Nutrition House Skill. Today we have a woman empowerment session with Captain Zaira Tahir. She's a corporate image consultant and a founder of Xaura Image Consultant. Empowerment, agar main apne nazariye se dekhun, to wo hai khawateen ki capacity building. Capacity building ka matlab ye hai ki unki improvement. Bahut sare roles hain jo maashre mein play kar rahi hain, wo mothers bhi hain, daughters bhi hain, wife bhi hain. फिर अगर वो वर्किंग वुमेन है तो वहाँ पे डिफरेंट वेरियस रोल्स हैं, तो आप देखें कि खातून के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं ना, तो उनको आई थिंक ट्रेन कर. वुमेन एम्पावरमेंट में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत लैक कर गई है इस टाइम पे, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एजुकेशन पे किस तरीके से जो है हमारी बच्चियाँ इस पर फोकस कर सकती हैं और उसके ठीक है अपने में ही चीज़ें डेवलप कर सकती हैं. जी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो मुझे लगता है जब से दुनिया मतलब बनी है, इंसान इस दुनिया में आया है, तब से ही एक इंसान की एवोल्यूशन चल रही है. इवॉल्व होता है इंसान, उसकी हैबिट्स इवॉल्व होती हैं, उसकी चॉइसेस इवॉल्व होती हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पर मुश्किलात आती हैं तो वो उनसे डिफरेंट चीज़ें सीखता है, और फिर अब उसकी यू नो जैसे बेरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है या कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है, और फिर वो नेक्स्ट चैलेंजेस के लिए तैयार होता है. तो पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट इज़ एवरीवेयर सिंस एजेस, सिंस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस टाइम. लेकिन बात यह है कि अब आके हमारी लाइफ में यू नो इतनी डिस्टॉर्शंस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि मीडिया बहुत फास्ट हो गया, आईटी बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो गई, और हम नेचर से बहुत करीब बहुत ज़्यादा हटते जा रहे हैं ना, यानी हमारा कनेक्शन जो है वो नेचर से कम होता जा रहा है. और नेचर से कनेक्शन कम होने का मतलब है हमारा अपने अंदर से अपनी रूह से रिलेशनशिप कम होता जा रहा है, क्योंकि क्या करते हैं हम, सोने से पहले भी कुछ फ़ोन पे देख रहे हैं, उठते ही कुछ फ़ोन पे देख रहे हैं, खाना खाते हुए कुछ फ़ोन पे देख रहे हैं, तो यानी हम अपने साथ वक्त कब गुजार रहे हैं, तो हमें हमारा कैसे पता चलेगा कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद. हमें तो ये पता चलेगा अच्छा यार ये चीज़ इस पर अच्छी लग रही है, चलो मैं भी ये कर लूँ. अब हमें जो पहले सिग्नल्स अंदर से आते थे ना, जब ये डिस्टॉर्शंस नहीं थी तो ख़ुद से हमें अंदर से एहसास होता था ये चीज़ गलत है ये चीज़ सही है, वो एहसास हमारा ख़त्म होता जा रहा है. तो मैं ये समझती हूँ कि पर्सनल डेवलपमेंट की एक तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, प्लस ये कि अब आपने खुद एफर्ट करने है, अपना बेड़ा खुद उठाएं, कोई नहीं आएगा आपको ट्रेन करने. ये एजुकेशन जो है वो स्कूलों में नहीं दी जा रही, और आपके कॉलेजों में नहीं दी जा रही, यूनिवर्सिटियों में भी है लेकिन बहुत कम हद तक है, क्योंकि यू नो उसमें ज़्यादा फोकस होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर. लेकिन अपनी ज़ात के लिए जितने सिंसेयर आप खुद हो सकते हैं ना, और कोई भी नहीं हो सकता. तो अपना बेड़ा, मैं तो ख़वातीन को ये कहती हूँ, खुद उठाओ, अपने आप को इम्प्रूव करो, डे बाय डे इम्प्रूव करो. जी बेशक, ऐसा ही है कि हमें अपने पे जो भी हमने आज के लाइफ में करना है वो हमने खुद करना है. कोई भी हमें आके नहीं बताएगा कि जी ये आप ऐसा कर लो, अपने आप को ऐसे चेंज करो, अपने में चीज़ें तब्दील हो, ये आपने खुद पे फोकस करना है कि मैं कहाँ कहाँ लैक कर रही हूँ, उन चीज़ों को मैं कैसे फुलफ़िल कर सकती हूँ. तो आज के टाइम में बैलेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट मुश्किल हो गई है चीज़. अगर जो फैमिली लाइफस्टाइल में बिज़ी हैं वो कहती हैं हम जॉब नहीं कर सकते, अब हम जॉब भी करें ठीक है, बाहर भी घर भी हम संभालेंगे और कमा के भी हम ना, ये तो भाई बंदे का काम है कमाना. लेकिन जो बाहर घर पे हैं वो कहती हैं हमने बाहर नहीं जाना, और जो बाहर हैं वो कहती हैं हम घर को तो बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते. तो बैलेंसिंग करना मुश्किल है. आप क्योंकि हाउसवाइफ भी हैं, इसके अलावा वर्किंग वुमेन भी हैं, तो किस तरीके से आप बता सकती हैं कि ये चीज़ को बैलेंस कर सकती हैं? अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. तो मैं बिल्कुल भी इस बायस नहीं हूँ कि हर खवातीन जो हैं उनको बाहर निकल के कोई ना कोई काम करना ज़रूरी है, लेकिन हाँ मैं इस हक में ज़रूर बोलती हूँ, हमेशा खवातीन को हमेशा इंकरेज करती हूँ कि अपना कोई शौक़ रखना ज़रूरी है, अपने लिए कुछ रखना ज़रूरी है ज़िंदगी में. अगर आपको शौक़ है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ तबीयत है आपकी, और आपके अंदर नेचर ने कुछ ऐसे स्किल्स रखे हैं कि आप यू नो जैसे कि लोगों से मिल के और उनको कन्विंस कर सकती हैं, और उससे रिलेटेड कोई जॉब अवेलेबल है, तो आप उसको एज अ शौक़ करें, ज़रूर करें. ठीक है, यानी कि ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस की मैं बात करूँ तो जो प्राइमरी ब्रेड विनर होता है वो हमारे कल्चर में भी और नॉर्मली भी हस्बैंड ही होता है. ठीक है ना, तो इसमें कोई इतनी वो प्रॉब्लम वाली तो बात नहीं है ना. बैलेंस की जहाँ हम बात करें तो बैलेंस तो इसी तरह आता है कि दोनों लोग मिल के गाड़ी चलाएँ, लेकिन ये है कि अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हस्बैंड नहीं भी कर पा रहा, या कोई यू नो थोड़े से टाइम के लिए कोई क्राइसिस आ गए हैं, या मे बी उसकी कैपेबिलिटीज़ से ज़्यादा आपकी कैपेबिलिटीज़ है बाहर काम करने की, तो इट्स ओके, उसकी हाइप मत बनाएं, आप जाएं उसकी हेल्प करें, दैट्स ओके. यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन हाँ अली बता ये है कि अगर वो कुछ और नहीं कर पा रहा तो किसी और साइड पे उसके स्किल्स ज़्यादा होंगे, उसको आप नर्चर करें, उसको भी उसको ये मत आप हर वक्त करती रहें कि मैं तो ये भी काम कर रही हूँ, मैं तो इतने पैसे कमा रही हूँ, मैं तो घर भी चला रही हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ. आप अपनी पसंद से कर रही हैं, ठीक है, अगर आप करना चाहें अपनी पसंद से करें, अगर आप ना करना चाहें तो आपके ऊपर कोई बाउंड नहीं है, बाउंड नहीं है बिल्कुल.
लेकिन यह है कि एक दूसरे के साथ सपोर्टिंग रोल में रहें। अच्छा, वर्किंग वुमेन में अगर हम देखते हैं तो आज भी बहुत से पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, बच्चियों को बाहर नहीं निकलते, बाहर का माहौल नहीं अच्छा। और मैंने भी ऐसी चीज़ें बहुत सी सुनी अपनी ज़िंदगी में कि जी लड़कियों को जॉब नहीं करनी चाहिए क्योंकि जॉब करने वाली लड़कियाँ अच्छी नहीं होती हैं, उनसे कोई शादी नहीं करता। मैं इस चीज़ मुझे चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है मैं, लेकिन फिर भी सब कुछ लगी हुई हूँ करने। तो आप एक पॉजिटिव इमेज जो होता है ना एक वुमेन का, उन्हें ठीक है बच्चियों को बताएं, खवातीन को बताएं कि एक पॉजिटिव इमेज एक वुमेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो जब भी बाहर निकलें कुछ भी कहें तो एक अपना इमेज सेट करके जाएं, ताकि ये जो अब टाइटल एक टैगलाइन चल रही है ना कि जी ये जॉब करने वाली या बाहर निकलने वाली लड़कियाँ अच्छी नहीं है, ये चेंज हो जाए अब। थैंक यू वेरी मच इसरा, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जो मुझे लगता है इससे खूबसूरत क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता कि जो इमेज हमारी खवातीन का बना हुआ है। और मैं बेसिकली हूँ भी इमेज कंसल्टेंट एंड एटिकेट कोच, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा यू नो इस पे फोकस होता है मेरा कि हमारे एक स्टीरियोटाइप जो है ना, एक टैग और लेबल ये लग चुका है कि जो ख़वातीन काम करती हैं वो घर नहीं मैनेज कर सकती, ठीक है, और जो ख़वातीन बाहर जाती हैं वो उनके एथिक्स शायद उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये जो इमेज है अब हमको ब्रेक करना है, ये ज़रूर लग चुका है और ये बहुत फेयर लगा है। उसकी रीज़न मैंने आपको जैसे पहले बताई कि चूंकि हमने ही अपने लाइफ में, हमें कभी किसी ने ट्रेनिंग ही नहीं ना दी इस तरीके से, या ना तो हमने खुद को ट्रेन करने की कोशिश की क्योंकि उतनी अवेयरनेस ही नहीं आई। तो जब हम खुद को एक यू नो हर एस्पेक्ट हमारा बड़ा फुलफिलिंग सा होगा ना, तो हम बाहर जाके कभी भी यू नो जैसे अपने किसी भी यू नो किसी भी कमी को पूरा करने के लिए नहीं बाहर जाएंगे, राइट, हम फोकस भी नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ आती है कि इमेज ऐसा जो बना वो क्यों बना, वो इसलिए बना क्योंकि ख़वातीन क्योस में रही हैं बहुत अरसे तक, ट्रेनिंग्स नहीं थी, ये चीज़ें नहीं थी, एम्पावरमेंट के सेशंस नहीं होते थे, लेकिन अब जो है ना टाइम चेंज हो रहा है। और जिस तरह मैं हूँ तो मैं भी सिर्फ गुडविल के लिए और अपने पैशन को लेके इस चीज़ के पीछे लगी हुई हूँ कि जो वर्किंग ख़वातीन है ना उससे मेरे से बेहतर नहीं कोई समझ सकता, क्योंकि मैं खुद वर्किंग थी, मैं इन सारी क्राइसिस में से निकल के आई हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा घर भी है, मेरा ससुराल भी है, मेरे अपने माँ बाप भी हैं, ठीक है, मैं बहन भी हूँ, तो मैं हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली इसलिए फुलफ़िल कर पा रही हूँ क्योंकि अब मैं क्योस में नहीं हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हूँ, ठीक है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, और जितनी मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, डिसिप्लिनड हूँ, उतना ही तरीके से मैं लोगों को और चीज़ों को लेके हैंडल कर लेती हूँ, राइट। तो मैं प्रॉब्लम से भागती नहीं हूँ, मैं उनको फेस करती हूँ और उसको एज अ यू नो एज अ पॉजिटिव तरीके से लेके उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढती हूँ। तो ये मेरा एक तरीका कार है जो मैं कोशिश करती हूँ, मैं एडवोकेट भी करूँ, मैं सिखाऊँ भी, इसके प्रॉपर तरीके भी होते हैं। तो उसमें यह है कि जब आप क्योस में नहीं होते ना, तो अब आप तब आप इन चीज़ों को हैंडल कर पाओगे और तब अपना इमेज बेहतर करोगे, ठीक है, और ये आपने ही करना है। जब तक आप नहीं करोगे, आप करके नहीं दिखाओगे, तो लोगों ने उसी इमेज को अपने जहन में लेके रखना है, ठीक है। सो ये पर्सपेक्टिव हमने खुद जो है ना चेंज करना है, इसको पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। और ख़वातीन की भी ब्रांडिंग बहुत ख़राब हुई है अभी तक, तो ये हमने ही ठीक करनी है, किसी ने आके हमें नए लेबल नहीं दे देने, ठीक है।